दोस्तों खतरे का संकेत होती है शरीर में प्रोटीन की कमी, सो इसलिए डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करें ताकि आपको प्रोटीन की कमी नहीं हो। इंसान के शरीर में प्रोटीन की ठीक मात्रा होना काफी जरूरी है। प्रोटीन का बालों से लेकर त्वचा तक असर होता है। मसल गेन करने और वजन घटाने में भी आपके शरीर के लिए प्रोटीन काफी ज्यादा असरदार होता है। मीट, मछली, अंडे में होता है प्रोटीन का अच्छा स्तर। इनमें से एक भी आइटम डेली डाइट में शामिल करके आप प्रोटीन का राइट बैलेंस बना सकते हैं। पीनट बटर भी प्रोटीन का बड़ा सोर्स है। डेली डाइट में आप पीनट बटर का सेवन कर सकते हैं। कई तरीके से आप ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर को कंज्यूम कर सकते हैं 2 टेबलस्पून तक, और इसके बेनिफिट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप चाहे तो चीज को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। चीज में आपको ठीक मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप प्रोटीन के मामले में चीज के भाई पनीर को भी यूज कर सकते हैं, जो काफी असरदार फूड है। पनीर भी अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन सप्लाई करता है। पनीर और चीज आप कई तरीके से सेवन कर सकते हैं और प्रोटीन के साथ साथ ये मुंह का स्वाद भी बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो दही और ग्रीक योगर्ट को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट दही के मुकाबले ना सिर्फ ज्यादा गाढ़ा होता है बल्कि इसमें प्रोटीन की भी अधिक मात्रा पाई जाती है। ये कुछ ऐसे फूड हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और प्रोटीन के बेनिफिट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करके इनके फायदे ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और देखते रहें हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।